थोड़ी देर पहले कोलंबो में मौसम ने खतरे की घंटी बजा दी है। बादलों को करले कर रहा है, बादलों को बोले दूर हट जाए, मिन्नतें हो रही हैं बादलों की कि आपने कल नहीं बरसना। एक अल्लाह ताला ने हमें एक चांस दिया है कि हम जीते श्रीलंका से और फाइनल के लिए क्वालिफाई करें। बारिश होना ना होना ये तो अल्लाह ताला को पता है। अब पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच होगा, उसके अंदर आपका रिजर्व डे नहीं है, रिजर्व डे नहीं है तो बारिश से अगर वो मैच वॉश आउट हो जाएगा, एक एक मिल जाएगा दोनों को पॉइंट, पाकिस्तान के लिए बाय बाय टाटा। ये होगा तो लिहाजा पूरी को मसले बिछाले, दुआएं मांगे, मिन्नतें करें, मन्नतें मांगे, क्योंकि वजह यही है कि मैच के लिए हम दुआओं का ही आसरा लेते हैं। कि 10:30 बजे 92%, 11:30 बजे 97%, उसके बाद 12:30 बजे 95%, उसके बाद 1:30 बजे 99%, 2:00 बजे 2:30 बजे 100%, फिर 99, 100, 82, 86, 91, 87, 86, भाई यहाँ पे सारा दिन कल बारिश दिखाई जा रही है। इसको हम इस तरह से देख लेते हैं कि जिस पिच पे इंडिया ने बड़े क्रूज करके 350 किया, हम 150 नहीं कर पाए। बिल्कुल ठीक है, तो नया दिन नई पिच, ये भी हो सकता है जहाँ इंडिया जिस टीम के सामने 213 मुश्किल से कर पाया है, वहाँ 300 कर दे। बिल्कुल कुछ भी प्रोसेस, अगर मैच नहीं हुआ और बारिश हो गई तो फिर रन रेट के ऊपर फैसला होगा और वो नतीजा हमारे हक में नहीं भी आ सकता, इनफैक्ट नहीं आएगा। अब हाथ उठा लीजिए, दुआएं मांगिए, कम अज कम पाकिस्तान और श्रीलंका ये मैच हो, और होने के बाद दूसरी दुआ हमारी, वो भी दुआ ही मांगनी पड़ेगी मुझे लगता है जो हालात है, कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच होने वाला एशिया कप मैच एक सेमीफाइनल की तरह बन गया है, क्योंकि इस मैच में जो जीतेगा वो सीधा भारत को फाइनल में टकराएगा। लेकिन अगर बात किया जाए तो मैच होना ही बहुत बड़ी बात बन गई है, क्योंकि आज दिनभर कोलंबो में बारिश दिखाई दे रहा है और बहुत हेवी बारिश रेन की प्रेडिक्ट किया जा रहा है। अगर रेन हुआ तो आप जानते हैं क्या होगा, पाकिस्तान पूरी तरह मतलब रेस से बाहर हो जाएगा, क्योंकि इनके जो पॉइंट रेट है वो बहुत ही घटिया है, मतलब कम है और माइनस पे है, लेकिन श्रीलंका का थोड़ा बेहतर है और पॉइंट डिवाइड हुआ तो श्रीलंका सीधा फाइनल को क्वालिफाई कर जाएगा। तो इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया का सरदर्द अब बना है कि भाई खेल ही हो जाए कम से कम, तब जाके ये हारे। लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा कि ये श्रीलंका को हरा पाएंगे, श्रीलंका कड़ी टक्कर देगा, क्योंकि जिस तरह के वाले अलग फॉर्म में है और उनके बैट्समैन भी अच्छे खासे हैं, ये तो मतलब हम कह नहीं सकते कि भाई गिवन डे में कैसा करता है श्रीलंका बहुत। तो इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया के सभी एंकर अब दुआ करने लगे हैं लाइव टीवी पे बैठकर कि भाई अल्लाह को दुआ करते हैं कि भाई मैच ही हो जाए। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं वीडियो के एंड पर। भाई हमने कहा था ना कि हम इफ्स एंड बट्स वाले मामले में नहीं फंसना चाहते, लेकिन फंस गए, वही हुआ जिसका अंदेशा था। जिस तरह क्या अब डू एंड डाई मैच है भाई, जीत गए तो ठीक है, और अगर बारिश हो गई जिसके इम्कानात भी मौजूद हैं और कभी इम्कानात मौजूद हैं, तो फिर रन रेट की बेस पर फैसला होगा। इफ्स एंड बट्स, डू एंड डाई, कुछ भी कह लें इसे। सो अगर रन रेट की बेस पर फैसला होता है तो पाकिस्तान हो जाएगा बाहर और श्रीलंका चला जाएगा आगे। सो ये है सूरत हाल, पता है मुझे सुन के भी जरा अजीब लगा, मतलब हमने किस तरह से शुरू किया था और हम कितनी सक्सेसेस पे विंस पे आ रहे थे इनटू द एशिया कप, और फिर क्या मतलब कल मैं इंडिया को खेलते हुए देख रहा था और मैं कह रहा था इन्हें सारी मुसीबत हमारे खिलाफ पड़नी थी, मतलब सारा जोश जो बनाया था, सारा जज्बा, सारे रन, सारी बोलिंग हमारे खिलाफ याद आनी थी। जज्बा और वो सब कुछ तो होता है। एशिया कप सुपर फोर मरहले के अहम मैच में इंडिया ने श्रीलंका को कांटे के मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी, और इट डिड बिकम फॉर अ वाइल कि शायद श्रीलंका जीती जाए, लेकिन खैर एनीवे हुआ नहीं, इतना कम तो टारगेट था, इतना एनीवे क्या बात है, हमारे वक्त देखो हां, मतलब ये कुछ को बात है यार, यू गॉट टू बी फेयर। तो इंडिया के जीतने के बाद पाकिस्तानी टीम के लिए अगर मगर की सूरत हाल जो है वो खत्म, और डू एंड डाई जो हम बात कर रहे हैं उसकी सूरत हाल जो है वो बिल्कुल आ गई है, आन पड़ी है बल्कि, और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होने वाला मैच जो है सेमीफाइनल तैयार की शक्ल उसने ले लिया है। हाँ, और अगर मैच हुआ, रन रेट की फिक्र किए बगैर श्रीलंका से मैच जितवा जीतो और पाकिस्तान को आगे क्वालिफाई करने में इसी तरह से मदद मिल सकती है, अदरवाइज अगर मैच नहीं हुआ और बारिश हो गई तो फिर रन रेट के ऊपर फैसला होगा और वो नतीजा हमारे हक में नहीं भी आ सकता, इनफैक्ट नहीं आएगा। This time, but it's not working now. और वो फटी वाला एलिमेंट जो है ना, एक ही मैच वाला बोला गया है, इंडिया ने भी बहुत स्ट्रगल किया, so it is okay. Let's be a little easy on our voice. So yes, inshallah, आगे बेहतरीन परफॉर्म करेंगे, फॉर्म वापस आएगी। अगर मुझे लगता है कि कहीं बस यही बातें उनके इर्द गिर्द होती रहेंगी और सुनते रहेंगे, वैसे I'm sure वो टीवी वगैरह नहीं देखते होंगे, अब तक तो नहीं सुनते होंगे। हाँ, yes, hopefully that would work. अगर हमें इतनी जोर की वो हार लगी है इंडिया से तो उनके को क्या होगी, सोचिए, दिल पे चोट लगी है हमारे, दिल पे चोट लगी है हमारे। हम रिलाई करते हैं बारिश हो जाए, एक पॉइंट मिल जाए, हाँ। या फिर श्रीलंका हार जाए, भारत जीत जाए, तो उसी के ऊपर हम डिपेंडेंट होते हैं। अब कल के मैच में दो दुआएं करनी है फिदा, व्यूअर्स हमें दो दुआएं करनी है। पहली दुआ तो यह है कि अल्लाह करे बारिश ना हो, क्योंकि अगर बारिश हो जाती है तो एक एक पॉइंट मिलेगा, दोनों टीम्स को मिल जाएगा, तो फिर पाकिस्तानी टीम फाइनल में नहीं पहुंच सकेगी, श्रीलंका और भारत का मैच होगा। और अगर पाकिस्तान श्रीलंका से जीत जाता है तो फिर
पाकिस्तान और भारत फाइनल में मध्य मुकाबले होंगे, तो लिहाजा पूरी को मसले बिछाले, दुआएं मांगे, मन्नतें करें, मन्नतें मांगे, क्योंकि वजह यही है कि मैच के लिए हम दुआओं का ही आसरा लेते हैं। हमारी पाकिस्तानी टीम के साथ कल का जो मुकाबला हो, अल्लाह करे पाकिस्तानी टीम जो इंडिया से शिकस्त का बदला है ना वो श्रीलंका से ले। अब कल ग्रीन शर्ट्स श्रीलंका से मुकाबला करेंगे, जीत की सूरत में पाकिस्तान फाइनल खेलेगा, लेकिन अगर श्रीलंका का मैच जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट बारिश की नजर हुआ तो भी पाकिस्तान का खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट्स का सिस्टम ही कुछ ऐसा रहेगा और हमारा रन रेट जो है वो काफी डाउन है। बादलों को तरले कर रहा है, बादलों को बोले दूर हट जाए, मिन्नतें हो रही हैं बादलों की कि आपने कल नहीं बरसना। एक अल्लाह ताला ने हमें एक चांस दिया है कि हम जीतें श्रीलंका से और फाइनल के लिए क्वालिफाई करें। बारिश होना ना होना ये तो अल्लाह ताला को पता है। अब ये वाला मैच अगर इतना इजी नहीं है, लेकिन वो लाजमी बात है स्पिन विकेट बनाएंगे, चाहे हमारे दो फास्ट बॉलर नहीं है लेकिन वो बनाएंगे अपनी स्ट्रेंथ पे, जो उनका राइट बनता है। होम ग्राउंड भी उनका है और एशिया कप भी उनका ही है, नाम का हमारा है, हम होस्ट है लेकिन उन्हीं का है। वो तो वही रहा, जो इंडिया के खिलाफ उन्होंने पिच बनाई वैसी पिच बनाएंगे। लेट्स सी कि हमारे बैटर हमारे बॉलर काउंटर अटैक किस तरह करते हैं। जी जी, कोई तरीका है, ये कोई इंसानियत है कि आप ऐसा खेलेंगे? अब 13,000 रन बना लिया आप लोगों ने भाई, अब 13,000 रन भाई, फास्टेस्ट 13,000 रन बनाने वाला वो खिलाड़ी 122 रन बना गया 94 गेंदों पर, कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है भाई? ये आप इतना दो दिन पहले जपियां डाल रहे थे हमारे खिलाड़ियों को, कोई एहसास ही कर लेता है? जपियां डालने का ये मतलब थोड़ी था कि मैं खेलूंगा नहीं, तोहफा दिया हमने उसको, बुमराह को बच्चा पैदा हुआ उसका हमने तोहफा दिया, कोई वो बुमराह जो है वो आके हमें ऐसी स्विंगे करा रहा है कोई देख ही नहीं सक रहा उसकी बॉल इतनी तेज जा रही है। इस तरीके से सारी बातें करने का भाई, अब पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच होगा उसके अंदर आपका रिजर्व डे नहीं है, रिजर्व डे नहीं है तो बारिश से अगर वो मैच वॉश आउट हो जाएगा, एक एक मिल जाएगा दोनों को पॉइंट पाकिस्तान के लिए, बाय बाय टाटा, ये होगा ये तो होगा उसका भी लगाओ फिर रिजर्व डे, नहीं तो ODLS मेथड वगैरह भाई नहीं हुआ मैच अगर वॉश आउट हो गया तो कुछ नहीं हो सकेगा। बहरहाल मौसम कुछ अच्छी खबरें दे रहा है, सारा दिन बारिश नहीं हुई और दुआ करें कि बारिश ना हो, लेकिन इसी दौरान करीबन कोई 15 से 20 मिनट पहले शदीद बारिश हुई है जी कोलंबो में, और इतनी शदीद बारिश थी कि जनाब जो बांग्लादेशी टीम है ना वो प्रैक्टिस कर रही थी, पाकिस्तान टीम ने अपनी 2 घंटे की प्रैक्टिस पूरी कर ली, पाकिस्तान टीम की अच्छी खबर यह है कि उनकी प्रैक्टिस अफेक्ट नहीं हुई, लेकिन जो बांग्लादेशी टीम है वो तो जनाब दौड़े लग गई उन बेचारों की, वो बारिश में भीगे हैं, उनकी किटें भीग गई हैं और इतनी शदीद बारिश हुई है कि वो बेचारे बिल्कुल ही जिसको आप कहते हैं ना कि उनके पास मौका ही नहीं बचा। बारिश जो है वो कोलंबो में हुई है, अब इस बारिश का क्या नतीजा निकलेगा क्योंकि वो जो स्टेडियम है स्टेडियम के अंदर जो है वो क्या मतलब पूरे ग्राउंड को उस तरफ से कवर कर लिया गया होगा, उम्मीद है कि पहले ही कवर किया होगा ताकि पाकिस्तान और श्रीलंका का बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ सेमीफाइनल, तो कि 10:30 बजे 92%, 11:30 बजे 97%, उसके बाद 12:30 बजे 95%, उसके बाद 1:30 बजे 99%, 2:00 बजे 2:30 बजे 100%, फिर 99, 100, 82, 86, 91, 87, 86, भाई यहां पे सारा दिन कल बारिश दिखाई जा रही है, तो अल्लाह के फजलो करम से धूप निकली हो, पूरा क्लियर हो कोलंबो, और कल सारा दिन सारी रात तक जो है वो 12 बजे तक कोलंबो क्लियर रहे, 12 बजे के बाद बारिश हो जाए कोई इशू नहीं है, पाकिस्तान श्रीलंका का मैच हो जाए बारिश हो जाए कोई इशू नहीं है। सो अब हाथ उठा लीजिए, दुआएं मांगिए, कम अज कम पाकिस्तान और श्रीलंका ये मैच हो, और होने के बाद दूसरी दुआ हमारी वो भी दुआ ही मांगनी पड़ेगी मुझे लगता है जो हालात है कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाए। भाइयों पाकिस्तान की टीम ने बड़ा दिल को जो है ना वो झटका दिया, पिछले 3 माह से हम पाकिस्तान की टीम को हमने यहां बुलंदी पे ले गए थे हम कि पाकिस्तान की टीम ये और पाकिस्तान की टीम वो और बाबर आजम ये और बाबर आजम वो, जिस तरह से ये झटका लगा है ना इस पे तो मैं यही कहता हूं कि शुक्रिया सर हमें अपनी औकात याद दिलाने का पाकिस्तानी टीम से, कि आपने हमें वापस भेज दिया कि वापस आ जाओ अपनी जगह पे, बहुत ज्यादा हमसे उम्मीदें ना लगाओ। तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी अब दुआ पे आ गए हैं, अब इनके ऊपर मतलब खुद के ऊपर तो इनके भरोसा नहीं है, क्योंकि जब भी ये बैठते हैं तो दुआ पे लग जाते हैं, खुद कुछ काम करते नहीं है, और दुआ 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 में क्या हो जाएगा, दुआ करने से क्या बाबर आजम जीत जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच होने वाला था पूरा तुम्हारा 20 करोड़ आवाम तो दुआ करने वाले थे, चादर बिठा के तो दुआ करने वाला मतलब कलमा पढ़ते थे, लेकिन हुआ क्या, हुआ तो वही जो होना था, तुमको अच्छी तरीके से भारत ने पेल दिया, लेकिन
अब बात है फाइनल आने का, अगर फाइनल आए तब जाके वो तुम भारत को मतलब भारत के साथ भिड़ोगे। और आसार बिल्कुल ही आपका जीरो दिख रहा है, नीलवट्टा सनाटा, क्योंकि जैसे ही ये खेल रहे हैं और इनकी बॉलर तो सब गए और सलमान अली आ गया, वो उसका तो नाक फोड़ दिया, वो भी चला गया, तो कैसे खेलोगे आप, कैसे खेलोगे, कैसे जीतोगे आप? ये तो आप पाकिस्तान को जीतना बहुत बड़ा ये हो गया, अगर बारिश भी ना हुई तो पाकिस्तान जीतेगा कैसे श्रीलंका से? श्रीलंका से पूरा ओवर पावर्ड दिख रहा है पाकिस्तान के सामने, और मुझे नहीं लग रहा है कि भाई श्रीलंका इतनी मतलब आसानी से पाकिस्तान को ये मैच देने वाला है, क्योंकि ये इस की फाइनल की बात है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, और पाकिस्तानी मीडिया जो जोकर एंकरों की दुआ करने वाली ये वीडियो थी, इसको लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। मैं रुकता हूँ, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।